हेलो एवरीबॉडी, साइक्लॉइड पढ़ने के सीरीज में यह है आज का हमारा लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम साइक्लॉइड में पॉइंट पी का पोजीशन राइट साइड में लेके ड्रॉ करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी साइक्लॉइड के 3 लेक्चर कवर किए हैं। अगर आपने इसके पहले के तीनों लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो तीनों वीडियोज़ का लिंक दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको तुरंत मिल जाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें साइक्लॉइड में 4th प्रॉब्लम कवर करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, ये देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने। Draw a cycloid for a circular plane of 50 mm diameter which rolls on a horizontal surface for one complete revolution without slipping. The point P is to the right of circular plane. तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन पढ़ के हमें फिर से इतना तो समझ में आ रहा है कि सर्कुलर प्लेन का साइक्लॉइड ड्रॉ करना है, और क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंट पी इज टू द राइट ऑफ सर्कुलर प्लेन। आगे बढ़ने से पहले फिर से हम साइक्लॉइड को रिवाइज कर रहे हैं। साइक्लॉइड सर्कुलर प्लेन का हमें ड्रॉ करना है। साइक्लॉइड क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर प्लेन हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर रोल करता है फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देन सर्कुलर प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट के पाथ को ट्रेस करते हुए जो कर्व बनता है उसको साइक्लॉइड कहते हैं। तो आइए ये साइक्लॉइड ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सर्कुलर प्लेन का साइक्लॉइड ड्रॉ करना है और सर्कुलर प्लेन का डायमीटर 50 mm दिया है। तो सबसे पहले सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करो जिसका डायमीटर 50 mm है। तो ये हम सर्कुलर प्लेन बनाएंगे और इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये सर्कुलर प्लेन को 12 पार्ट में डिवाइड करो, उसके लिए सेंटर पे आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप कंपास में रेडियस का लेंथ ले लो। कंपास में रेडियस का लेंथ लेके आप यहाँ पे रखो, ऊपर और नीचे कट करो, उतना ही रेडियस का लेंथ आप यहाँ रखो, इधर और इधर कट करो, उतना ही रेडियस का लेंथ आप यहाँ रखो, ऊपर और नीचे कट करो, उतना ही रेडियस का लेंथ आप यहाँ रखो, इधर और इधर कट करो। तो इस तरह से सर्कल हमारा 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, और क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंट पी इज टू द राइट, इसलिए हम पॉइंट पी राइट साइड में लेंगे और यहां से क्लॉकवाइज नेमिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 6 7 8 9 10 11 और ये 12, जहां पे पॉइंट पी रहेगा वहां से क्लॉकवाइज नेमिंग स्टार्ट करना पड़ता है। इसके पहले भी हमने जितने साइक्लॉइड ड्रॉ किए उन सभी साइक्लॉइड में हमने पॉइंट पी के अकॉर्डिंग ही नेमिंग दिए है। अगर हम पहला लेक्चर देखें तो पहले लेक्चर में हमने पॉइंट पी नीचे लिए थे और यहां से 1 2 3 4 क्लॉकवाइज नेमिंग दिए थे। सेकंड लेक्चर में हमने पॉइंट पी यहाँ दिए थे तो यहाँ से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 नेमिंग स्टार्ट किए थे। देन हमने थर्ड लेक्चर में हमने पॉइंट पी यहाँ लिए थे तो यहाँ से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 था। आज के लेक्चर में पॉइंट पी यहाँ है तो यहाँ से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 है। तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि साइक्लॉइड ड्रॉ करते समय पॉइंट का पोजिशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर पॉइंट का पोजिशन आपको मिल गया तो जहाँ पर पॉइंट पी है वहाँ से आप क्लॉकवाइज नेमिंग स्टार्ट करेंगे। अब इतना होने के बाद हम ये सर्कुलर प्लेन को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रोल कराएंगे। तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस का लेंथ कितना होना उसके लिए आप सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। सर्कल का सरकमफ्रेंस दैट इज पाई डी। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालें बाय यूजिंग पाई डी, पाई इंटू डायमीटर। सो उसका डायमीटर है 50, तो पाई इंटू 50 तो ये आता है 157 mm। तो फाइनली सर्कल का सरकमफ्रेंस 157 mm आया है। इट मीन्स ये सर्कुलर प्लेन को हॉरिजॉन्टली वन रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए, एक पूरा चक्कर करने के लिए 157 mm लगेगा। तो ये इस बात का प्रूफ होता है। तो आइए इधर 157 mm का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन लाइन ड्रॉ करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये वर्टिकल डायमीटर के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना। वर्टिकल डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करो। तो ये हम प्रोटेक्टर का यूज करके यहाँ पे 90 डिग्री का लाइन बनाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर ले लिए और यहाँ से आप इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ सर्कमफ्रेंस के बराबर होना। सर्कमफ्रेंस 157 mm है तो यहाँ से आप इधर 157 mm मार्क करेंगे। और अब इतना होने के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है
इसको भी आप 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर्कल को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किए थे, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी हम 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन डायरेक्टली तो 12 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 12 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें 12 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए 12 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन, और अब ये 12 सेंटीमीटर के लाइन को 12 पार्ट में डिवाइड करो, 1-1 सेंटीमीटर का एक पार्ट, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और वो 12। ये लाइन 12 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये लास्ट पार्ट को आप पहले सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, और लास्ट पार्ट ज्वाइन करने के लिए आप रोलर स्केल का यूज़ करेंगे। तो ये आप लास्ट पार्ट को ज्वाइन करेंगे रोलर स्केल, इसलिए क्योंकि ये लास्ट पार्ट को ज्वाइन करने के बाद उसी को एग्जैक्टली पैरेलल चलाएंगे और यहाँ के सभी पार्ट से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोलर स्केल का यूज़ हो, ताकि ये सभी लाइंस पैरेलल टू ईच अदर बने, ये सभी के सभी पैरेलल टू ईच अदर चाहिए, इसलिए हमें रोलर स्केल का यूज़ करना है। अगर आपके पास रोलर स्केल नहीं है तो आप सेट स्क्वायर का यूज़ भी करेंगे तो चलेगा। तो फाइनली हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन को 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यहाँ पे नेमिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये सर्कल का सेंटर है सी। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, ये सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और सभी के सभी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द बेस लाइन होना, और इसके लिए आप फिर से रोलर स्केल का यूज़ करेंगे और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा आखिरी तक लेके जाएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन, देन 5 और 1 से होते हुए एक लाइन जाएंगे, देन ये 6 और P की एक लाइन जाएंगे, देन ये 7 और 11 की एक लाइन जाएगी, देन 8 और 10 की एक लाइन जाएगी, और लास्ट में 9 का लाइन जाएगी। इतना होने के बाद ये जो सेंटर है, ये सेंटर का ये जो लाइन है, ये सेंटर के लाइन को भी आप 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए फिर से आप रोलर स्केल का यूज़ करो, वर्टिकल डायमीटर को पैरेलल सेट करो, और ये जो नीचे के पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पार्ट्स से आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, और ऊपर के सेंटर की लाइन तक ही ड्रॉ करो। ये देखो फर्स्ट लाइन, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये देखिए इस तरह से नीचे के पार्ट आप ऊपर सेंटर की लाइन तक शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि सेंटर का जो लाइन है वो आपका 12 पार्ट में डिवाइड हो जाए। नेमिंग दे देंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और लास्ट में C12। कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, और अब हमें साइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए उसके पॉइंट्स मार्क करना है। पॉइंट्स मार्क करने के लिए फिर से आप कॉम्पास लेंगे। सर्कल का डायमीटर 50 mm है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 25 mm, तो इसका रेडियस 25 mm आप कॉम्पास में लेंगे, ये C1 के ऊपर रखेंगे, और 1 के लाइन के ऊपर आप कट करेंगे, ठीक है। C1 के ऊपर रखेंगे और सर्कल के 1 के लाइन के ऊपर कट करेंगे। ये देखो ये सर्कल का 1 कहाँ है, देखो ये सर्कल का 1 यहाँ है, ये 1 की लाइन है, तो ये 1 के लाइन पे आप कट करेंगे, C1 के ऊपर रख के आप कट करेंगे। देखो C1 के ऊपर रख के ये 1 की लाइन के ऊपर आप कट करेंगे ऐसा, तो ये 1 के लाइन पे आप कट करेंगे, तो ये यहाँ, फिर उतना ही लेंथ जो R है 25 mm, उतना ही लेंथ आप C2 के ऊपर रखो। ये देखो C2 के ऊपर आप रखेंगे, और ये 2 की लाइन पे कट करेंगे। ये देखो 2 की लाइन ये जा रही है, ये 2 की लाइन पे कट करेंगे, C2 के ऊपर रखेंगे और ये 2 की लाइन पे आप कट करेंगे, तो ये यहाँ पे ऐसा कट करेंगे। उतना ही लेंथ आप C3 के ऊपर रखेंगे, और ये 3 की लाइन पे कट करेंगे। देखो C3 यहाँ पे है और 3 की लाइन ये है, तो ये यहाँ पे रख के आप यहाँ पे ऐसा कट करेंगे, ऐसा, तो यहाँ पे आप कट करेंगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा। देन ये 4 की लाइन ये है, C4 के ऊपर रखेंगे उतना ही लेंथ, और ये 4 के लाइन पे आप कट करेंगे, ये 4 की लाइन, इसके ऊपर आप C4 के ऊपर रख के ऐसा कट करेंगे, तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आसपास आएगा। देन ये 5 की लाइन C5 के ऊपर रखो, और ये 5 की लाइन पे आप कट करो, तो ये 5 की लाइन पे आप यहाँ पे कट करेंगे। देन ये 6 की लाइन C6 के ऊपर रखो, और ये 6 के लाइन पे आप कट करो। देन ये 7 की लाइन ये C7 पे रखो, और ये 7 की लाइन के ऊपर आप
ये 7 की लाइन के ऊपर आप ये कट करो, देन ये 8 की लाइन ये C8 के ऊपर रखो और 8 की लाइन पे आप कट करो, ये 9 की लाइन देन C9 के ऊपर रखो, 9 के ऊपर ये ओवरलैप होगा, ऐसा ओवरलैपिंग चलेगा इसके ऊपर, देन ये 10 की लाइन C10 के ऊपर रखो और ये 10 की लाइन पे कट करो, देन C11 पे रखो और ये जो 11 की लाइन है इसके ऊपर आप कट करो। तो जब ये कट करने को जाएंगे तो ये बाहर निकलेगा, तो ये 11 की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, 12 की लाइन को भी एक्सटेंड कर लो, क्योंकि ये पॉइंट्स बाहर निकलेंगे। तो ये C11 पे रखे, ये 11 की लाइन, ये देखिए 11 की लाइन, और ये C11 पे रख के आप यहाँ पे कट करेंगे, देन ये 12 की लाइन और ये C12 पे रख के ये यहाँ पे कट करेंगे, ये बाहर निकलेगा, बिल्कुल सही है, ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो फाइनली सभी पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं, अब हम सभी को ज्वाइन करेंगे। सभी को ज्वाइन करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका पॉइंट पी है, यहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसा नीचे जाएगा, पहले ये पॉइंट ऐसा नीचे जाएगा, फिर ऐसा कर्व होते हुए बाहर निकलेगा, ठीक है ना। पहले नीचे जाएगा, फिर यहाँ से कर्व होते हुए बाहर निकलेगा, और ये ज्वाइन करो, या तो फ्री हैंड ज्वाइन करो या तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करके ज्वाइन करो, चॉइस आपकी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से नीचे आएगा, देन यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमने कर्व ड्रॉ कर लिया है, और आप यहाँ पे नेमिंग देंगे, ये पॉइंट पी, देन यहाँ पे P1 रहेगा, ये P1 फर्स्ट पॉइंट, देन ये P2 यहाँ पे है, देन P3 सबसे नीचे में है, तो यहाँ हम दे देंगे P3, देन यहाँ P4, देन यहाँ P5, देन यहाँ पे P6, यहाँ P7, यहाँ P8, 9 के ऊपर, दैट इज C9 के ऊपर यहाँ आप P9 देंगे, देन ये P10 यहाँ पे, P11 यहाँ पे, और ये P12 यहाँ पे। फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने साइक्लॉइड ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में लिखा था कि सर्कुलर प्लेन, क्वेश्चन में लिखा था कि ड्रॉ अ साइक्लॉइड फॉर अ सर्कुलर प्लेन ऑफ 50 mm डायमीटर विच रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, द पॉइंट पी इज टू द राइट ऑफ सर्कुलर प्लेन, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। तो पॉइंट पी राइट साइड में है, तो इसका कर्व इस तरह से ड्रॉ हुआ। अगर हम प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये पॉइंट पी सेंटर के राइट साइड में है, पॉइंट पी सेंटर के राइट साइड में है, तो उधर जो लास्ट पार्ट है, उधर जो P12 है, वो भी C12 के राइट साइड में रहेगा। ये जो लास्ट C12 है, इसके राइट साइड में P12 रहेगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप इसके पहले के सभी लेक्चर को अगर आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला लेक्चर जो हमने कवर किए थे, सबसे पहले लेक्चर में हमने पॉइंट पी को नीचे लिए थे। ये देखो, यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिए थे और वो हॉरिजॉन्टली रोल वो हुआ था। सेकंड लेक्चर में पॉइंट पी जो है वो सर्कुलर प्लेन में ऐसा ऊपर में था, यहाँ पे पॉइंट पी था और वो हॉरिजॉन्टली रोल हुआ था। और थर्ड लेक्चर में पॉइंट पी ये लेफ्ट साइड में था और वो हॉरिजॉन्टली रोल हुआ था। ऐसे हमने 3 लेक्चर इसके पहले ऑलरेडी कवर किए हैं। तो ये चारों प्लेसेस के सभी एक एक लेक्चर है, आप सभी के सभी लेक्चर स्टडी करिए। पहले लेक्चर में पॉइंट पी नीचे में था, तो आपका कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऐसा जाके ये ऐसा आया था। इट मीन्स ये नीचे से स्टार्ट हुआ तो ये नीचे ही कंप्लीट हुआ। यहाँ पे पी था और तो यहाँ पे P12 था। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया, फर्स्ट कर्व हमारा ऐसा था। सेकंड लेक्चर में हमने जो कर्व ड्रॉ किए थे उसमें पॉइंट पी ऊपर था, तो ये ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट पी सबसे पहले ऐसा नीचे आया था और ये ऊपर ही कंप्लीट हुआ था ऐसा। तो यहाँ पे पॉइंट पी था, तो यही लाइन पे P12 कंप्लीट हुआ था, तो यही लाइन पे P12 था। यहाँ पे पॉइंट पी ऐसे स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। इट मीन जो लाइन से स्टार्ट हुआ वही लाइन पे कंप्लीट हुआ। थर्ड लेक्चर जो हमने किए उसमें पॉइंट पी लेफ्ट साइड में था, तो लेफ्ट साइड में था तो ये कर्व ऐसा हुआ था, पहले ये जाके ऐसा और फिर ये ऐसा हुआ था। इट मीन्स ये लाइन से स्टार्ट हुआ तो ये यही लाइन पे कंप्लीट हुआ था ऐसा। तो ये लाइन से स्टार्ट हुआ था, है ना, ये लाइन से स्टार्ट हुआ था, कर्व ऐसा गया, ये लाइन से स्टार्ट हुआ तो यही लाइन पे कंप्लीट हुआ था, P12 ऐसा था, इधर से स्टार्ट हुआ यही लाइन पे कंप्लीट हुआ। और आज के प्रॉब्लम में पॉइंट भी अपना ये राइट साइड से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इट मीन्स ये लाइन से स्टार्ट हुआ और यही लाइन पे कंप्लीट हुआ।
तो ये चारों पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जब भी साइक्लॉइड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्वेश्चन में ये सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट पी कहाँ पे है। अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि पॉइंट पी कहाँ है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं साइक्लॉइड में जो पूरा साइक्लॉइड पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं होता कि पॉइंट पी बॉटम में है या टॉप में है या लेफ्ट में है या राइट में है। तो अगर क्वेश्चन में पॉइंट पी का पोजीशन दिया ही नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप बाय डिफॉल्ट पॉइंट पी नीचे लेके ड्रॉ करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बताए थे कि अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पॉइंट पी का पोजीशन दिया नहीं है, तो पॉइंट पी नीचे लेके आप बाय डिफॉल्ट नीचे लेके ड्रॉ करेंगे। ये इन जनरल प्रॉब्लम है, अगर पॉइंट पी का पोजीशन नहीं दिया है तो आप हमेशा पॉइंट पी नीचे ही लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो, अगर आज का ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनको समझाइए, उनके साथ ये शेयर करिए, और अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके पहले के साइक्लॉइड के प्रीवियस वीडियोस अगर आपको स्टडी करना है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।